गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अरिंद कुमार गुप्ता। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोग ट्वेल्थ के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से कर रहे हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा जहाँ से सवाल आपसे पूछा ही जाएगा कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है या उसका पूछेगा कि आईपीएससी नेम क्या है। ठीक है, तो आईपीएससी नेम्स के लिए जो आईपीएससी की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को पहले समझेंगे और उसके बाद वीडियोज के एंड पार्ट में हम कुछ कॉम्प्लेक्स के नाम को लिखेंगे। ठीक है, तो हम गाइडलाइंस को एक एक करके समझते जाए कि क्या है। पहले से ही कुछ इम्पोर्टेंट जो तो बोर्ड में आया नहीं, बोर्ड में दो तीन पॉइंट्स और थे जो डाला जा सकता है, बट हम उसको पहले इस आरएस केस को कंप्लीट करने के बाद उसे ऐड करेंगे जहां पर हमारी जरूरत। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ नेम मतलब आईपीएससी अगर कॉम्प्लेक्स नेम का, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आप नामकरण करने जा रहे हो तो उसके और नेमिंग का ऑर्डर एकदम से फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कहता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड हो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका आयनिक है, ठीक है, तो आयनिक में पहला हिस्सा नाम जो लिखा जाएगा वो केटायन का, उसके बाद एक छोटा सा स्पेस देकर के फिर एनायन का नाम। ठीक है, जैसे कि आप सोच रह सकते हो कि आप अगर ये ले लो ये, तो इसमें अगर आप आयन्स करते हो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आयनाइजेशन स्फीयर मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा जैसे पोटेशियम, उसके बाद स्पेस देकर के फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम अगर आयनिक मिलता है तो। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा मतलब नॉन आयनिक मॉलिक्यूल है, तो हम उसे एक शब्द बिना किसी स्पेस के प्रयोग के हम पहले मानेंगे इस सेट करने कि आईपीएससी की गाइडलाइन क्या है कि अगर हमें आयनिक कॉम्प्लेक्स मिलता है तो उसके आयन्स को दो भागों में ब्रेक करके देख लीजिए, पॉजिटिव आयन का नाम पहले मतलब केटायन का नाम पहले, स्पेस और फिर एनायन। ठीक है, और अगर आयनिक नहीं है तो उसे एक वर्ड एज ए एक वर्ड में जो भी उसका नाम होगा वो पूरा का पूरा एक वर्ड उस बीच में कहीं भी स्पेस नहीं यूज। ठीक है, तो पहला दूसरी पॉइंट नेचर ऑफ लिगेंड्स के हिसाब से हमें क्या लिखना है तो समझा। अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं हो, पॉजिटिव भी नहीं हो नेगेटिव भी नहीं हो, तो आप उसे एज ए मॉलिक्यूल, एज ए मॉलिक्यूल का मतलब जो उस मॉलिक्यूल का नाम हो, उस केवल इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वाटर के लिए H2O के लिए एक्वा वर्ड यूज किया है और एक्वो। ठीक है, अमोनिया H3 के लिए इसने यूज किया है अमीन। शायद हम लास्ट आपको लास्ट वीडियोस में भी आपको ये बातें बता चुके हैं। अदरवाइज इसके अलावा आप किसी मॉलिक्यूल्स को अगर लीजिएगा तो उस मॉलिक्यूल का जो नाम है वही नाम यूज किया है, जैसे कि आप यूज करो C6H5N, इसका नाम है पैराडीन, इसका नाम पैराडीन। ठीक है, पर इस नाम में कोई अंतर नहीं होगा, एज ए मॉलिक्यूल इसका नाम यूज करना है लिगेंड का। जो दूसरी अगर नेगेटिव लिगेंड्स है तो उसका नाम खत्म करना है O से, जैसे कि नेगेटिव लिगेंड्स मतलब अगर आपके पास क्लोरीन है तो ये नेगेटिव है तो इसका नाम है क्लोरीन, तो इसका नाम को इस तरह से ना लिख करके O से खत्म करना है क्लोरो। ठीक है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, अगर इसके नाम को कट करके हमें कर देना है O। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है, पॉजिटिव लिगेंड्स है और उसका नाम को एंड करना आई यू एन से, जैसे कि आप समझ लो अगर इसके नाम की बात करें, ये हमारा एक पॉजिटिव लिगेंड है और पॉजिटिव लिगेंड है इसका नाम होगा हाइड्रोजनियम, हाइड्रोजनियम मतलब उसका नाम अंत हो रहा आई यू एन से, हाइड्रोजनियम आया था बट कॉम्प्लेक्स में आया तो हाइड्रोजीनियम आयन में बन गया, मतलब आर ग्रुप में। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले मैंने ये डिस्कस किया कि अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो केटायन पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा, एनायन पार्ट का नाम उसके बाद स्पेस के साथ, अगर आयनिक नहीं है एक वर्ड में पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर नेचर ऑफ नेम मतलब न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका जो मॉलिक्यूलर नेम होता है उसमें कोई फेरबदल नहीं, कुछ स्पेशल नाम दिया गया तो वाटर और अमोनिया। नेगेटिव लिगेंड रहेगा तो उसके नाम को O से एंड कर देना,
ठीक है, और एक भी एंटर है उसके नाम को आई यू एम के साथ जोड़ करके एंटर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नेम मतलब कि अगर आपके पास एक ही कॉम्प्लेक्स में आप मान के चलो कि आपके पास दो तीन तरह के कंपाउंड्स आ जाए, दो तीन तरह के लिगेंड्स आ जाए, लिगेंड्स क्या है, एक नेगेटिव लिगेंड्स है, ये सब न्यूट्रल है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे और किसका बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लोन पेयर के डोनेशन से बदला तो लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता नेगेटिव की ज्यादा हो, मतलब उससे प्राथमिकता दी गई, उसकी नाम को पहले लिखा जाएगा उसके बाद न्यूट्रल को, और पॉजिटिव की बहुत कम क्षमता है इसलिए पॉजिटिव। तो आप नेगेटिव के लिगेंड्स के नाम को पहले, फिर न्यूट्रल को, और फिर पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम को, ठीक है। ये रहेगा ऑर्डर हमारा जो लिगेंड्स के नेम पे। उसके बाद है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि अगर लिगेंड्स दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सिंगल दिया है इसको, तो आप क्या कर सकते हो कि उनके नाम क्या है, सिंगल है तो आप यूज करना चाहो तो मोनो यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज करने की जरूरत है नहीं। दो है तो डाई या बाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, ये सारे प्रीफिक्स आप उसके नाम के आगे यूज कर उनकी संख्या को दिखा सकते, ठीक है। अगर पहले से उसके नाम में ये सारे वर्ड मौजूद है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नाम होता है डाई मिथाइल ईथर, ये ऐसा चीज हुआ कि वो पहले से उसके नाम में मौजूद हो, तब क्या, तब उसके नाम को या तब उसकी संख्या को दिखाने के लिए दो के लिए 20 वर्ड को यूज करते हैं, तीन के लिए 30, चार के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेक्साकिस, और इस तरह से आप वर्ड यूज करते हैं। मतलब अगर लिगेंड के नेम में पहले से कोई भी आपको नेमिंग प्रीफिक्स दिख जाए तो आपको क्या यूज करना है, आप डाई ट्राई टेट्रा का यूज करके 20 टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेक्साकिस, ठीक है। एंडिंग द नेम करने का मतलब है कि अगर कॉम्प्लेक्स के नाम को एंड करेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स के नाम को हम एंड करने जा रहे हैं, ठीक है, एंड करेंगे तो यह नेम एंड होगा नेम विद मेटल, मेटल के नाम के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम एंड किया है, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो उसका नाम एंड किया जाएगा मेटल के नेम के साथ। क्या ध्यान रखते हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायन, अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायन मतलब फिर फिलहाल अगर इसको डिसोसिएट करते तो यह कॉम्प्लेक्स एनायन में आ जाता, तब उस मेटल के नाम को एटीई के साथ एंड किया जाता, मतलब यहाँ पर फेरेट लिखते, इसके नाम को फेरस ना लिख करके फेरेट एटीई के साथ एंड करते। अगर एसिड के रूप में एंड होता तो हम आईसी यूज करते फेरेट, ठीक है, और अगर न्यूट्रल कंपाउंड के रूप में तब फेरस, मतलब उसमें कोई नाम में कोई परिवर्तन नहीं है। मेटल के नाम के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स के नाम को एंड किया जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स अगर एनायन का पार्ट होगा तो उसका नाम एटी के साथ एंड होगा, अगर वो एसिड का पार्ट होगा तो आईसी के साथ, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोई भी नाम में कोई परिवर्तन हम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये क्या कह रहा है तो थोड़ा सुन लिया जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन का मतलब क्या है, तो ये कहता है कि जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लिखें, मतलब हम नाम को मान के एन ही कर दिए एटी के साथ या आईसी के साथ या नॉर्मल के साथ, आपको क्या करना है, तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ मान के हमने लिखा फेरेट, तो फेरेट के नाम के बगल में एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी जरूरी है जो रोमन शब्द है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ट्रू है तो आप इसका लिखेंगे रोमन में 2, 3 है तो आप लिखोगे 3, 4 है तो आप लिखोगे 4, जो स्मॉल ब्रैकेट में जस्ट आफ्टर मेटल के नाम से जहां हमने खत्म किया उसके ब्रैकेट में आपको लिखना, ठीक है। अगला है एबरेशन है, एबरेशन का मतलब जानने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर नेम हैं जो बहुत बार यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, या फिर उसके नाम बहुत ज्यादा, और ज्यादा यूज करने के कारण एब्रेशन के लिए उसके लिए शॉर्टकट में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज किया, जैसे कि एथानेस डायअमीन ईएनसी, पैरेडिन पीवाई से, और आपको कल परसों भी बताए थे एडीडीए एथालीन डायअमीन से,
एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट को ईडीटीए से यूज करो। तो ये सब एब्रेशन थे, मतलब कि बहुत ज्यादा यूज करने वाले कंपाउंड, और ये बेसिक फंडा जो हमारे माइंड में अगर फिट है। दूसरी चीज लेविन ने अगर आइसोलेशन है ऑप्टिकल आइसोलेशन के लिए उसका डेक्स्ट्रो लेवोफॉर्म है उसको यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल के लिए सीस ट्रांस यूज करते हैं, बट अभी उसे डिस्कस नहीं करते, पहले इतना सीख जाएंगे और फिर हम लोग जब आइसोलेशन को डिस्कस करेंगे उसके नाम में पूरा सब चेंज है उसको तो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ स्पेशल नेम्स कुछ कंपाउंड के लेते हैं, जैसे नाम को इस रूल्स के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अब हम कुछ कंपाउंड्स को लेंगे जिनके नाम को इसके हेल्प से लिखने की कोशिश करें। तो अब हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स का जिनका आईयूपीएसी नेम जो हमने रूल्स वगैरह फॉलो किया था उसके आधार पर। तो ये क्या है कंपाउंड जहां पर देखते हैं कि यह आयनिक है और 2P+ और PbCl6 2-, कुछ ऐसा कुछ होते हैं। तो ये पहले चेक करना जरूरी है कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है वो न्यूट्रल है, एनायन है कि कैटायन, पता चल गया एनायन। अगर आयनिक है तो हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, इसका नाम हो गया पोटेशियम, स्पेस दे देना है और फिर नेगेटिव पार्ट का नाम। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में पहले नाम लिगेंड्स का, लिगेंड्स कौन है तो एक ही लिगेंड्स है प्रोटीन, तो प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा आप ही बताओ, यहाँ पर प्रोटीन 6 है तो 6 के लिए नंबर भी प्रीफिक्स यूज हो जाएगा हेक्सा प्रोटीन। आपको बताइए प्रोटीन नेगेटिव लिगेंड्स है तो उसका नाम एंड करना ओ के साथ, मतलब क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, और उसके बाद मेटल कौन सा है प्लेटिनम, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम। और लेकिन है कौन सा एनायन, नेगेटिव एनायन में, नेगेटिव एनायन में मेटल का नाम किससे खत्म करना था ATE के साथ। नोट्स में आप चेक कर लीजिए कि नेगेटिव एनायन में हमें इसका नाम खत्म करना है ATE के साथ, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। और कुछ छूटा, एक चीज छूटा मेटल के नाम के ब्रैकेट में हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, मतलब कि हमें अभी जो काम करना होगा वो है कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मान लेते हैं +6 × प्रोटीन का -1 और -2 x आ गया -2 + 6 = +4, ठीक है। इसका नाम रहा प्लेटिनम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम, सॉरी पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम 4, ठीक है। हर स्टेप को फॉलो करो, यहां पर आइए, यह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब इस बार नाम में हमें कोई एटीई के साथ खत्म करने की जरूरत नहीं है, मेटल का नाम जैसा है वैसा है। नाम पहले इसका तो लिगेंड का, लिगेंड यहां पर दो है, एक है नेगेटिव लिगेंड और एक है न्यूट्रल, इसका नाम क्या है नेगेटिव लिगेंड्स। तो नेगेटिव लिगेंड्स का नाम रखें, ये 4 संख्या में है तो 4 के लिए टेट्रा, ये है क्लोरो क्लोरो, उसके बाद डाय, इसका नाम अमीन, और उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट में अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x, इसका है 0 × 0 + 4 × -1 और टोटल का चार्ज है 0, तो देख ले x इज इक्वल टू +4, मतलब इस बार भी ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल तरीका जो मेटल है उसका x मान लीजिए, बाकी का जो भी संख्या है जीरो, उसके जो चार्ज होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल चार्ज का, यहां न्यूट्रल है इसलिए टोटल चार्ज 0, ठीक है। तो हमारा इसका नाम रहा टेट्रा क्लोरो डायमीन प्लेटिनम 4। अगला ब्रेक कर सकते हैं, अमोनियम आयन और CrKH3 होल ट्वाइस NCH4-, चेक कर लीजिए अगर सब कुछ सही है तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर इतना कुछ सही है तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम, तो ये है अमोनियम, अमोनियम, ठीक है।
अब इसका नाम स्पेस दे करके यहाँ पर देखिए दो तरह के लिगेंड्स है, एक है नेगेटिव लिगेंड्स NCS आपको MBD3 की लिगेंड्स में बताया आपके, ये क्या था थायोसाइनाइड, ठीक है, तो थायोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइड, और ये चार संख्या में मतलब टेट्रा थायो साइनेटो, ठीक है, उसके बाद दो है डाई अमी, उसके बाद कौन सा है क्रोमियम, नेगेटिव में चला गया है क्रोमियम ना लेकर के एटीई के साथ खत्म करना है क्रोमिनेट, अब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया था, एक्स मान लेते हैं +2 × 0 + 4 × -1 = -1, मतलब एक्स इज इक्वल टू +3, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसका नाम अमोनियम टेट्रा थायोसाइनेट और डायअमीन क्रोमिनेट 3, ठीक है, आपके रूल्स के हिसाब से भी हम नाम को लिखते चले जा रहे हैं, आप देखिए यहां पर ब्रेक कर लीजिए 3K+AlC2O4 और 3 और 3 माइनस पॉजिटिव का पहले मतलब पोटेशियम नेगेटिव में आ गया, नाम को एंड करना ATE के साथ, जैसे नेगेटिव सेक्शन में आ जाए नाम एंड करना ATE-6, पहले लिगेंड्स का नाम लिगेंड्स है ट्राई ऑक्सीडेटो लिगेंड्स है ट्राई ऑक्सीडेटो, फिर नाम रहता एलुमिनेट ने, और अब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट एल, ठीक है, एल का मान है x+3 × -2 = -3, x = -3 + 6, ऑक्सीडेटो का -2 होता है, ठीक है, x = +3, मतलब ब्रैकेट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 को दिखा, ठीक है, आगे आयन किया है K+Pn(NH3Cl), ठीक है, लिख लेते हैं पोटेशियम यहां पर आ जाए एनायन बार कॉम्प्लेक्स एनायन है इस बार, तो हमें ये पता है कि नाम ATE के साथ एंड कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर लिगेंड का नाम लिगेंड दो तरह के है, एक न्यूट्रल है और एक एनायन है, किसका नाम एनायन, एनायन लिगेंड मतलब 5 है, तो ये हुआ पेंटा प्रोडो, ठीक है, अमीन पेंटा प्रोडो अमीन, और उसके बाद प्लेटिनेट क्या लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए x+1 = 0 + 5 × -1 = -1, x = +4, ठीक है, तो पोटेशियम पेंटा प्रोडो अमीन प्लेटिनेट 4, इसका नाम CO, ठीक है, ये जो सीएम होता है इसको कार्बोनाइल बोलते हैं कार्बोनाइल, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज न हो तो इसके लिए आपको बता दिया है कि उसे बोला जा रहा है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, तो लिखा जाए पहला पोटेशियम पार्ट मतलब सोडियम टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट, ठीक है, और अब आपका ठीक है माइनस कार्बोनाइल ग्रुप्स के जो चार्ज होंगे आपके कार्बोनाइल ग्रुप्स के चार्ज आपके हो जाते हैं स्टेबिलेंट 0, कार्बोनाइल ग्रुप के चार्ज आपके हो जाते हैं 0, और जीरो चार्ज के हिसाब से आप करोगे तो x+4 × 0 = -1, मतलब x = -1, किसका हो गया -1, ठीक है, कुछ पहले से मैंने इसी आधार पर कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिखे ताकि वीडियोस की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग में है समझ में आ रहा है तो आपके पास अब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा आप उसके नाम लिख दोगे, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपको फिर से इसके वीडियोस या फिर और भी डिटेल्स वीडियोस को आपके साथ शेयर करेंगे, थैंक यू।